हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारा चल रही है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ये आईसीएसई बोर्ड है जिसमें बुक है एमएल अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 6p² + 11p - 10 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले जो पी स्क्वायर का कॉफिशियंट है और कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 × 6 = −60। और अब हमें माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस 60 चाहिए और प्लस करके चाहिए 11। तो 560 कैसे आएगा हमारे पास? सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 15 = 30। हाँ, तो 15 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। 6p² - 4p + 15p - 16 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से 2p कॉमन है, 3p - 2, और लास्ट टू टर्म में से हमारे पास यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 है हमारे पास। तो ये 5 कॉमन आ गया इसमें से, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 = 0। पूरी इक्वेशन में से हमारे पास कॉमन आ गया 3p - 2 × 2p + 5 = 0। तो ये p की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू 2/3, और जब हम इसको भी 0 के इक्वल करेंगे देन p = 5, उधर जाके -5 / 2। तो ये p की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, 2/3x² - 1/3x = 1। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले 3 कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 2x² - 1x इज इक्वल्स टू, और इधर करेंगे तो ये 3। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे, 2x² - x - 3 = 0। अब 2 × 3 का यहाँ पे क्या आ गया, 6, और माइनस करके हमें चाहिए -1। तो 2x² - + 2 × 3 = 6 लिखेंगे, 2x - 3x - 3 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x कॉमन, x + 1 माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x + 1। माइनस 3 कॉमन निकाला है हमने, तो जब हम माइनस को भी बाहर लेके ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब दो पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 1, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x - 3 = 0। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे 2x - 3 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 3/2। तो ये आ गया आपका आंसर। थैंक यू।